फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए देखते हैं स्थलीय समीर और समुद्री समीर क्या होते हैं। दिन के समय स्थल का जो भाग होता है वो गर्म हो जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से स्थल भाग गर्म होता है। जब स्थल भाग गर्म होगा तो यहाँ पर जो वायुदाब होगा वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत सागरीय भागों में सागर का पानी ठंडा होता है, जिसकी वजह से यहां पर उच्च वायुदाब बन जाता है। इन भागों में जहां पर यह स्थल भाग गर्म है और जहां पर समुद्री भाग ठंडा है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा इस ओर से चलेगी और यहाँ पर ये जाकर ये ऊपर उठती हैं और वापस इसी रेखा में मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये जो सर्कल बन गया इसी को कहते हैं समुद्री समीर। एक चीज ध्यान देना है, जो हवा जिस ओर से चलती है उसको वही नाम दिया जाता है। यह हवा समुद्र से स्थल की ओर चल रही है जिसको कहते हैं समुद्री समीर। आइए देखते हैं कि स्थलीय समीर क्या होता है। रात के समय स्थलीय भाग ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से इस जगह पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके ठीक विपरीत समुद्री भाग में समुद्र गर्म हो जाता है और समुद्र गर्म होने से इस जगह पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ से होगा और यहां पर यह ऊपर उठती है और इस तरह से आते हुए यह वापस इसी में मिल जाती है। तो यहां पर हवा स्थल से समुद्र की ओर चल रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा स्थलीय समीर।